बिमल खाने का पैसा नहीं है तो रजनीगंधा खा के काम चलाते हैं माई बाप, और घर में बिजली भी नहीं है तो मोमबत्ती जला के टीवी देखना पड़ता है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? बोतुल। कहाँ से आप? बकरी तर से। आप सीखते हैं म्यूजिक? पहले सीखते थे, लेकिन जब से मेरा पापा बकरी के साथ ड्यूटी दे दिया तब से नहीं सीख पाते हैं माई बाप, नहीं सीख पाते। कुछ नहीं करते थे, सारा दिन पौआ मार के टल्ली रहते थे। Oh my God. और जब से पापा शराबी हुए हैं तब से हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं माय बाप। इतना गरीब हो गए हैं कि हमारे पास बिमल खाने का पैसा नहीं है तो रजनीगंधा खा के काम चलाते हैं माई बाप। और घर में बिजली भी नहीं है तो मोमबत्ती जला के टीवी देखना पड़ता है। और हमारे पास इतना कम पैसा है कि हमारे पास पैसा रखने के लिए कोई बड़ा बक्सा भी नहीं है तो बैंक में रखना पड़ता है माय बाप। Oh my God. और कभी कभी घूमने का मन करता है तो BMW से घूमते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण हम लोग साइकिल नहीं खरीद सकते हैं। उस वक्त जब हम लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे, बहुत ज्यादा गरीब थे हम लोग, तो उस वक्त काफी हेल्प भी की थी। हेल्प करने का वजह था मैडम, क्योंकि मेरा पापा आपसे प्यार करते थे और आप ही के प्यार के कारण मेरा पापा शराबी बन गए। मुझे पता होता तो मैं जरूर मिलती। ओ माय गॉड, क्या मंजर है, क्या समय है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग। इससे भी बड़ा कहानी है सर, इससे भी बड़ा। नेहा जी को पटाने में मेरे पापा को बहुत मेहनत लगा, बहुत मेहनत। बोलिए ना नेहा जी, बोलिए ना। ओ गॉड, शायद आराम से बता पाऊंगी, अभी नहीं बता पाऊंगी, बट बहुत मेहनत की, बहुत। जब बहुत मेहनत किए तो मेरे पापा से क्यों नहीं शादी किए? क्यों नहीं? अगर आप शादी कर लेते तो मेरे पापा शराबी तो नहीं बनते। पूरी पूरी रात सुबह तक प्यार करते थे। नेहा के आंसुओं ने आपके पापा से मेरी मुलाकात करवा दी। मुलाकात अभी नहीं हुआ है सर, अभी नहीं। मुलाकात तो तब होगा जब मैं अपने पापा को लेकर आऊंगा और इसी स्टेज पर नेहा जी से शादी कराऊंगा।